अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। पिछले कुछ अरसे से हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुसलसल तौर पे बैन अल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में पजीराई और अक्लेम हासिल हो रहा है। इसकी अगर रीसेंट तरीन लेटेस्ट जो मिसाल है उसकी बात की जाए तो वो फोर्ब्स मैगजीन के रीसेंट रिपोर्ट में हासिल होती है, जहां पर पिछले 12 महीनों की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए, इस परफॉर्मेंस को गेज करते हुए देखा गया है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने तमाम रीजनल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, चाहे वो चाइनीज मार्केट हो या चाहे वो इंडियन मार्केट हो, यहां तक के यूएस के जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है उसके भी असरात हमारी मार्केट पर उस तरह से मुरतब होते हुए नजर नहीं आते जैसे कि दीगर रीजनल मार्केट पर नजर आते हैं। यानी कि रिजिलियंस वाजे तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेहतर है दीगर रीजनल मार्केट से, या और अगर इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें और लोकल पर्सपेक्टिव में देखें, दोनों एतराब से ये बातें नजर आती हैं एज फार एज द फैक्टर्स आर कंसर्न्ड। पीएसएक्स के ट्रेंड फंड में भी हमने देखा है कि 16% का इजाफा हुआ है जो कि ये रिपोर्ट स्टेट करती है, जबकि इसी अरसे में इंडिया और चाइना के जो ट्रेड फंड थे वो नेगेटिव रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि सीपेक और जितने इस वक्त मुआशी एजेंडा है या मुआशी प्रोग्राम है, इसके अलावा बेहतर सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये तो अपने साथ अपने असरात अपनी पॉजिटिविटीज हमारी मार्केट पे दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और जो एट्रीब्यूशन है और एक और रिफ्लेक्शन जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में नजर आती है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से $1 बिलियन की एड भी इसमें जो है वो खातिर ख्वाह साबित होती हुई दिख रही है, जो कि कारकर्दगी बेहतर कारकर्दगी और बेहतर सेंटिमेंट का हमारी मार्केट में बायस बनती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीगर जो हमारी रीजनल मार्केट्स हैं, चाहे हम इंडियन मार्केट की भी बात करें, चाइनीज मार्केट की भी बात कर लें जो कि काफी अक्लेम्ड रही हैं, उनसे बेहतर अगर हमारी मार्केट परफॉर्म कर रही है, क्या वजूहत हैं, इसका क्या तजिया और तबसरा होगा, इस हवाले से बात करना जरूरी होगा, लिहाजा इन तमाम उमूर पर आज रोशनी डालेंगे। ऑन अ लाइटर नोट हम देखते हैं सेंसेक्स मार्केट पर भी शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो तजुर्बात हैं उसके मनफी असरात होते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त पीएसएक्स 43,000 के लेवल्स के करीब ट्रेड करती हुई दिख रही है और इन तमाम मुस्बत डेवलपमेंट्स की रोशनी में आगे क्या रुझान मुतवक्के है इस हवाले से बात करेंगे। नंदलेस हमने ये देखा कि आज मार्केट बेरिश रही है और इस पॉजिटिव न्यूज का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है फौरी तौर पर आज की मार्केट पर नजर आता चाहिए था लॉजिकली, लेकिन वो नजर नहीं आया है। ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से बेरिशनेस डिस्पाइट दिस पॉजिटिव फ्लो नजर आती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और डीम्यूचुअलाइजेशन पर भी, यानी कि पीएसएक्स के जो 40% स्टेक्स में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीक की जा रही है चाहे वो लोकल हो या फॉरन हो, उस हवाले से इस वक्त क्या पेशरफ है इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे मेरे मौजूद पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमाए हैं मिस्टर फरीद आलम, सीईओ फॉर एकेटी सिक्योरिटीज, लिहाजा मार्केट के जो इनसाइडर्स हैं फरीद साहब से जानेंगे। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप एंड ऑल्सो चेयरमैन बेग ग्रुप, लिहाजा इंडस्ट्रियलिस्ट का इस पूरी बात में क्या पर्सपेक्टिव है वो भी आज जानने की कोशिश करेंगे। मिस्टर जफर सुभानी ने भी हमें आज पैनल में ज्वाइन किया है, मेंबर है प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट जो एक पर्सपेक्टिव है आपका काफी स्ट्रांग है, लिहाजा इस पर भी आज रोशनी डालेंगे। ऑन कॉल मेरे साथ मिस्टर राना अफजल होंगे हु इज एमएनए फ्रॉम पीएमएलएन एंड ऑल्सो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन फाइनेंस, लिहाजा उनसे जानेंगे कि हुकूमती पॉलिसीज ने क्या इसमें कोई मदद दी है या नहीं। तमाम पैनलिस्ट का हेयर इन द स्टूडियोज इज वेल, लोगों से कॉल भी हमें जो राना अफजल साहब ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत शुक्रिया, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। फरीद साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी पूरी बात का, बताइएगा अभी बेरिशनेस ऑल्दो नजर आ रही है, तकरीबन 188 पॉइंट बेरिश आज मार्केट रही है, और दो कल की ये जो न्यूज है ये बहुत पॉजिटिव है, पहले तो इस न्यूज पे आपका तबसरा शामिल करते हैं, आपको क्या लगता है किन फैक्टर्स की बिना पर हमारी मार्केट में इतनी रिजिलियंस है कि हमने आउट परफॉर्म किया है चाइनीज और इंडियन मार्केट को। जी थैंक यू। देखिए रिजिलियंस का जब अंग्रेजी में वर्ड होता है और हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट सामने आती है तो एक बहुत अच्छा एक हमें उसको ट्रांसलेट होता हुआ नजर आता है। इसी पॉइंट से मैं अपना आपकी बात से आंसर स्टार्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या जो हमारे रिफॉर्म्स एजेंडा चल रहा है जिस तरह से और जिस तरह से लोग परसीव कर रहे हैं और जिस तरह से हमने अपने आप को यूएस से थोड़ा सा शिफ्ट हमने दिया टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया से भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की और टर्की से भी दोस्ती वगैरह हाथ बढ़ा रहे हैं तो ये जो रिजिलियंस है ये इस तरह से आप गेज कर सकते हैं, ये हमारे नाज़रीन गेज कर सकते हैं कि मुझे याद है फरवरी 2015 में एक फंड था और एकेडी सिक्योरिटीज के पास ही काम करता था, बाकियों के साथ भी करता होगा, उसके पास रिडम्पशन आई और ये जो फंड्स होते हैं चाहे वो लोकल हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या फॉरेन हो, जब इनको रिडम्पशन आती है तो इनको बेच के माल जिसका है वो फ्यूडिशियल कैपेसिटी में आप कर रहे होते हैं उनको मैनेज तो फिर पैसे देने पड़ते हैं। अभी भी आपको जिस तरह आपने खुद ही कहा कि थोड़ी सी पिछले दिनों से मार्केट में थोड़ी सेलिंग है गोरे की और उसके अंदर मैं सिर्फ ये देख रहा हूं पिछले अगर 10-15 दिन में देखें अबाउट $80 मिलियन की गोरे की सेलिंग है और तकरीबन इसी साइज की $85 मिलियन की सेल थी 2015 फरवरी में जब मार्केट
ने 18% रिट्रीट कर लिया था. लेकिन इस वक्त एक तो फील गुड फैक्टर है, चीजें बेहतर हैं, रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, री रेटिंग्स हो रही हैं, मूडी ने लास्ट टाइम कर दी थी, एसएनपी ने हमारी रेटिंग इम्प्रूव की है और पाकिस्तान में सीपैक और ये थोड़ा सा जो आजकल ये जो फील गुड फैक्टर हम लोग विटनेस कर रहे हैं उसकी वजह से जो लास्ट टाइम वाले सेल ऑफ में और इस सेल ऑफ में फर्क ये है कि इस दफा लोकल खड़े हैं लेने के लिए और कोई इस दफा वो जो 18% तो खैर दूर की बात है, मार्केट 1-2% भी नहीं गिरी है. लेकिन अगर री रेटिंग हुई है सही साहब तो लोकल्स आप बता रहे हैं इंटरेस्टेड हैं, फॉरेनर्स भी इंटरेस्टेड होने चाहिए, उनकी सेलिंग की क्या वजह आपको नजर आ रही है? फ्री नजर आ रहा है फॉरेनर्स की तरफ से. जो दिसंबर हॉलीडेज से पहले ये होता है, ये बहुत दफा हमने भी नोट किया है कि जब वो गोरा जाता है छुट्टियों वोटियों में क्रिसमस पे तो ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ये छोटी मोटी सेल ऑफ होती है. फिर दोबारा से जब ये शुरू करते हैं रिज्यूम करते हैं अपने ऑफिस, दोबारा से एलोकेशन होती है कंट्री की कंपनी की और दोबारा से एक्टिविटी शुरू होती है. तो और दूसरी बात ये, एक तो ये एक हो गया एक जर्नल एक नॉर्मल फिनोमिना जो आपको डिस्कस किया. दूसरा ये कि जब मैंने इस तरह बताया ना, जब आपके पास आप फंड मैनेज कर रही है मेरा, मैंने पैसे वापस लेने आपसे, आप मेरे $10 मिलियन मैनेज कर रही है सपोज, तो मैंने कहा कि मुझे $1 मिलियन चाहिए, तो अब आप ये नहीं देखेंगे कि अच्छा ठहर जाए अगले हफ्ते देखेंगे ये वो, तो आपके पास जो माल है बेच के आपने उसके पैसे वापस करने होते हैं. तो रिडम्पशन इज सच अ फैक्टर कि विच cannot be ignored by a local AMC or a foreign AMC. और यही हो रहा है, कोई मोहब्बत से नहीं बेचता शेयर. और खासतौर पर इस तरह की सेलिंग कल हुई और आज हुई उन शेयर्स में जो कि बहुत बहुत शॉक से बहुत अच्छे टॉप मतलब बड़े हैविली कैपिटलाइज्ड अच्छी कंपनी है, टॉप परफॉर्मर्स हैं. लेकिन ये हमें भी पता है, हम भी फंड मैनेज कर चुके हैं जिंदगी में, कि जब आपको सेलिंग करनी होती है तो बल्कि उल्टा काम ये होता है. ये मेरी तो इस पे उल्टा ही राय ये है कि जब आपके पास रिडम्पशन प्रेशर आता है तो आप वो शेयर पहले बेचते हैं जिसमें आपको गुंजाइश हो. यानी आपकी कॉस्ट अगर एक्स शेयर में है ₹100 और वो आपको ₹120 मिल रहे हैं तो आप अच्छा बहुत अच्छा शेयर है, आपने ये सोच के लिया था कि मैं ₹150 बेचूंगा, लेकिन आपको रिडम्पशन आई, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपने माल बेचा, तो आप सबसे पहले अपना फैमिली सिल्वर टॉप वाला शेयर बेचेंगे क्योंकि उसको आपके अंदर अभी भी आपको गेन हो रहा है. अच्छा कोई और शेयर है जो ₹90 पे है, लिया ₹100 का था ₹90 पे है, यू डोंट वॉन्ट टू कैरी इट बट आपने कहा यार नहीं लॉस नहीं बुक करना अभी, शायद थोड़ा ऊपर हो जाए. तो हमारे बड़े अच्छे शेयर बिके और हमारा जो लोकल है जो लोकल इन्वेस्टर है वो बड़ा चातिर है, समझदार है, उसको पता है कि जिस चीज की मैं गोरा बेच रहा है लेकिन इफ द सिर्फ हैज वैल्यू तो वो ले रहा है. और $80-85 million के इन्वेस्टमेंट जो उसमें गोरे ने बेचा लोकल ने ले लिया और वो ट्रेडिशनल सारी अच्छी कंपनियां थी जो अनफॉर्चुनेटली गोरे को बेचनी पड़ी. और ट्रेडिशनली जैसे आप बता रहे हैं कि क्रिसमस ईव और वो तमाम वो जो हॉलीडेज हैं उस वजह से एक रिडेम्पशन आ रही है, बट लोकल्स आर सपोर्टिंग राइट नाउ, लोकल सपोर्ट कर रहे हैं. दूसरी बात ये आपने कहा ना कि आज बड़ी सी रिपोर्ट है, हमें तो कोई थर्ड पार्टी और खासतौर पर गोरा और कोई इंटरनेशनल फेम का जो न्यूज कवरेज है एजेंसीज हैं या कोई जिस तरह फोर्ब्स ने किया, तो इट इज नॉट मैंडेटरी और कस्टमरी कि जिस दिन रिपोर्ट आए उसी दिन ये आके रजिस्टर हो गई है. ये चीज मेरे आपके और जो बहुत सारे हमारे नाजरीन हैं उनके जहन में ये आ गया कि एक थर्ड पार्टी ने पाकिस्तान को ऑन फॉलोइंग वेरिएबल्स रेट किया है अहेड ऑफ चाइना एंड इंडिया. बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट जी वो तो है बिकॉज वो तो फैक्चुअल नंबर्स है ना. हमारी मार्केट ईयर टू डेट अभी 30% रिटर्न दे रही है. हमारे नहीं है बिकॉज डॉलर ने पूरे साल उसी पर रहा है. ऑलमोस्ट बेसिस पे इन्होंने ये तमाम है ना कि हमारे जहाँ पर वो नेगेटिव थे हमारे काफी ETF तो 16% बढ़ा है, 16% बढ़ा है. और लेकिन हमारी जो मार्केट है इंडिया एंड चाइना उनका तो नेगेटिव था और 1% था. लेकिन जो हमारी ईयर टू डेट टोटल है ETF को छोड़ दें तो जो ट्रैक करते हैं उन्होंने उसके हिसाब से दिया ना, अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें तो वो हमारी अल्लाह का शुक्र है ये कैलेंडर ईयर टू डेट यानी 1 जनवरी से आज तक वो 30% बढ़ चुकी है. और लेकिन अभी बाकी जैसे हम फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं इसमें दीगर भी जहां पर कैरेक्टर हैं किस किस और चीजों ने एट्रीब्यूट किया है इन तमाम गेम्स को, आगे क्या एक्सपेक्ट करना है इसके हवाले से भी बात करना जरूरी होगी. बट बिफोर दैट डॉक्टर बेग आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, मार्केट अगर बेहतर परफॉर्म कर रही है और इंटरनेशनल जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं हमें बेहतर रेट कर रही हैं, क्रेडिबल समझते हैं? पहले तो आप ये बताइए इन रेटिंग्स को. लेकिन पहली चीज तो ये है कि हमें आज बात करने से पहले एक चीज बड़ी वाजे हो जाए कि आज के स्टॉक का या कल जो थोड़ा डिप हुआ है 188 पॉइंट उनको सिर्फ आप ये डेली बेसिस के ऊपर तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कि इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को
पिछले 5 सालों में कहाँ देखा उन्होंने और इस पूरे साल के कारकर्दगी कहाँ देखा और उसकी बुनियाद पे उनकी क्या रिपोर्ट आई, ये एक सेगमेंट होना चाहिए आपका। वो मैं पहले हम बात कर लेते हैं कि फिर हम इसमें बात करते हैं डिप क्यों है, ये छोटी चीज है, ये डेली बेसिस के ऊपर वाली बात करने की। पहली चीज तो ये है कि फोर्ब्स ने और उससे पहले ब्लूमबर्ग आया हुआ था यहाँ पे, वो यहाँ के तमाम इन्वेस्टर से फंड मैनेजर से मिले थे, उन्होंने भी पाकिस्तान का जो इंडेक्स है उसकी बड़ी ऊंची, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता क्या लेवल की बात की, बस ऊंची लेवल की बात की है कि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है वो और ऊपर देख रहे हैं। ओके, ऑप्टिमिस्टिक उनकी बातों में बड़ा बुलिशनेस नजर आई। और ये ब्लूमबर्ग एक बहुत ही क्रेडिबल इदारा है और फिर सब बतलाएंगे कि इनकी स्टेटमेंट कैन टेक योर स्टॉक एक्सचेंज ईदर वे, ये एक बात हो। दूसरी चीज जो है कि फोर्ब्स ने जो अपना एक रिपोर्ट दी है और उसने फैक्शन फिगर दी है जो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शेयर करूं व्यूअर्स के साथ, कि पिछले 5 सालों में तो हमने 400% ग्रोथ की है, जबकि चाइना ने 16% तो इंडिया ने 33% की, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं, इसी एक्सलेंट अबव पार परफॉर्मेंस। फिर इस साल में अगर हम देख लें तो इस साल में हमारी 20% रही है, चाइना की 9 और इंडिया की 12% है, तो वो भी हमने जैसे उन्होंने लिखा अखबारों में आ गया कि जी बहुत पीछे छोड़ दिया। और तीसरी चीज यह है कि जो रिटर्न हमने दिए 30% के अनप्रेसिडेंटेड एशियन मार्केट में या और कोई मार्केट में या हमारे रीजन के मार्केट में कहीं नहीं दिए गए, तो इस लिहाज से कॉन्स्टेंटली हमारे स्टॉक मार्केट ने एक बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर यील्ड, बेहतर रिटर्न दिखाए। अच्छा, ये तो बात है खत्म। अब इस पीरियड के बहुत सारे फंडामेंटल्स, जब साल क्लोज हो रहा था, बुक्स क्लोज की जा रही होती हैं, क्रिसमस पे जा रहे होते हैं जब गोरे, तो वो अपने ज्यादातर चीजें लिक्विडेट वगैरह करके जाते हैं, फिर जब वो दोबारा आते हैं तो फिर वो नए फंडामेंटल के साथ खरीदते हैं। आज की चीज जो फरीद साहब ने कहा, जिसको मैं इंडोर्स करूँ, जो पंच लाइन है आज हमारी डिस्कशन की, वो ये है कि रिडेम्पशन आई मार्केट में और बेचा उन्होंने और मार्केट स्लाइड भी हुई, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इतना बुलिश था कि उन्होंने उसको उठाया और मार्केट को क्रैश नहीं होने दिया। और लोकल इन्वेस्टर्स में मुकामी सरमाकार भी हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इदारे इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक के बिहाफ के ऊपर, और ये जब होता है कि जब आपको अपनी पॉलिसीज पे यकीन हो, ये जब होता है जब कंपनियों के फंडामेंटल्स पे आपको यकीन हो, ये जब होता है कि जब आपको आने वाले वक्त में उन कंपनियों को जिसको आप उठा रहे हैं आपको पता है कि वो इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। फंडामेंटल्स ठीक हैं, अपनी जगह इंटैक्ट हैं, तो जैसे लोकल्स इंटरेस्टेड हैं वैसे ही आफ्टर द रिडेम्पशन फॉरेनर्स भी वापस आएंगे, तो ये लॉन्ग टर्म दोबारा आएंगे। और ये एक अगर आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये क्रिसमस न्यू ईयर के दिनों में ये ट्रेडिशन होता है, लेकिन इससे हमारी लोकल इन्वेस्टर्स को शेकी नहीं हुए, इसमें ये लिंक है। अगर उनकी सेलिंग से रिडेम्पशन से लोकल पैनिक में आके वो भी बेचना शुरू कर देता तो आज और हम एक क्रैश मार्केट की बात कर रहे होते, वो नहीं, अल्लाह ताला का करम है वो नहीं हुआ। तो हमारे फंडामेंटल अच्छे, फिर कुछ पॉजिटिव चीज होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 दिसंबर को एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड कर रहे हैं जिसमें हम लोग जा रहे हैं, और उसमें हर साल होते हैं और इस बार उसमें जो टेक्सटाइल पैकेज है 4% यान के ऊपर, 5% फैब्रिक के ऊपर, 6% गारमेंट्स के ऊपर, उसका अनाउंसमेंट की बात हो रही है। फिर हम उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी कंसेशन के वादे किए थे तो वो भी बातचीत हो रही है। उसमें कहने का मतलब ये है रिफंड भी कुछ दिए गए, रिबेट के जो फंसे हुए थे 25 बिलियन एक दिए, 25 बिलियन एक दिए, बाकी दिसंबर तक देने का वादा किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो एक तो इससे टेक्सटाइल या एक्सपोर्ट सेक्टर में जरा सी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, क्योंकि ये जो पैकेज आ रहा है हमारे लिहाज से ये साइजेबल पैकेज, ये पीनट्स नहीं है, इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। एक नीडफुल पे भी बात करना जरूरी होगा कि हुकूमत की, जहाँ पर आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो लेट अस आल्सो बी टॉकिंग अबाउट के हुकूमत की तरफ से क्या नीडफुल हो रहे हैं, जहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट की एक ही शिकायत है सपोर्ट करने की बात, और वो मैं हर चैनल पे जिक्र करता हूँ और आपके भी जरूर करूंगा, टू लेट एंड टू स्लो। ठीक है, प्रोएक्टिव होना चाहिए, टू लेट कम करते हैं और लेट कर देते हैं। इसमें यह होता है कि जब मरीज को बीमारी
کے خاص موقع پہ آپ نے اینٹی بائیوٹک دینی ہے, انجیکشن دینا ہے, اس وقت آپ نہ دیں تو بعد میں وہ آپ کو ڈوز ڈبل ٹرپل کرنا پڑے گا. I will get back to you on the fact کہ آپ کس چیز کی مراد ہے, آپ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. فرید صاحب آپ کا ون لائنر, کیونکہ میں ظفر صبحانی صاحب کی پریزنس سے مستفید ہونا چاہتی ہوں اور رانا افضل صاحب بھی ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہمیں جوائن کریں گے. حکومت کی طرف سے ریکال ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا اس پہ اگر ون لائنر ہے تو یہ میرے خیال سے منیر نیازی نے جس طرح کہا تھا نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, یہ والا بالکل لیٹس نو اینڈ لیٹ دا ویورز نو واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ ایگزیکٹلی, کس کی بات کر رہے ہیں جی؟ پالیسیز ہیں جو اس طرح لیٹس سے ٹیکسٹائل پالیسی انسینٹیوائز, ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہاں مل کے گئے تھے کراچی کے بعد, انہوں نے کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی کی لیڈنگ ایکسپورٹر سے ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں, اسحاق صاحب کے ساتھ میریٹائم سیشن ہوا ہے, 1% طے ہو گئی, یہ دینا ہے, آج اناؤنس ہو رہا ہے, کل اناؤنس ہو رہا ہے, پرسوں اناؤنس ہو رہا ہے اور اب ایکسپورٹ ٹرافی اوارڈ ہو رہا ہے. یہ پیریڈ جس میں انہیں یہ دینا تھا تاکہ ان کی کمپیٹیٹیونیس اروڈ نہ ہو, تاکہ لیول پلیئنگ فیلڈ ہو, ایکسپورٹ ہمارے جو آرڈر جا رہے ہیں آپ سے اب اس کو 3 مہینے, اینڈ ٹو لیٹ. تو آپ ظفر صبحانی صاحب آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں؟ یا بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ بہت لیٹ ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ پاکستان ٹیکسٹائل از پاکستان کا بیک بون ہے, اینڈ آئی تھنک ٹیکسٹائل کا بیک بون اگر افیکٹ ہوتا ہے, ایک دفعہ کسٹمر آپ کا مس ہو جاتا ہے آپ کا, اور ویت نام اور بنگلہ دیش تو ویسے ہی ہے, یہ اگر ویت نام از اے نیو کنٹری وچ از ٹیکنگ دی مارکیٹ, یہ ہمارے لوز ہو رہا ہے, اس کے بعد اس کو ریکوپ کرنا بہت ٹف ہوگا. آئی تھنک جو کچھ بھی ہے کرنسی کے اندر, ڈیفینیٹلی اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی کرنسی جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے, وہ بھی اس سے بھی دیکھنا چاہیے, اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے, بٹ ایٹ دس اسٹیج کرنسی امپیکٹ کر رہی ہے, اور جو بھی انسینٹیو تھے دے شوڈ ہیو بین گیون 3 months بیک, آئی تھنک بہت ٹائم لگ گیا اس کا امپیکٹ. لیکن اوور ویلیو ہونا, یہ آپ جو ڈالر روپی پیرٹی کی بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک سائڈ کا آرگیومنٹ آپ سن کے پھر آپ اس پہ فیصلہ کر رہے ہیں, آپ دوسرے سائڈ کا آرگیومنٹ سنیں جو بائنگ پاور کو سپورٹ کرتے ہیں, تو دے وڈنٹ اگری ود یو آن دیٹ. امپورٹ کاسٹ بڑھ جائے گی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک ڈیٹ سروسنگ بڑھتی ہے. آئی اگری, بٹ اگر ہم کمپیئر کریں انٹرنیشنلی ڈفرنٹ کرنسیز کا کتنا ڈی ویلوشن باقی کرنسیز کا ہوا, میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ کرنسی کا ڈی ویلوشن ہوا تھا ارلیئر ایئرز کے اندر, بٹ یہ جو ایک سال ہے جب ہم کمپیئر کریں انڈیا کی کرنسی باقی ریجنل کرنسیز کمپیئر کریں تو پاکستانی کرنسی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, اس کا ڈیفینیٹلی ٹیکسٹائل سیکٹر کو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے, اس کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ تو ہے نیگیٹو, بٹ ایکسپورٹ چلنی چاہیے نا بھائی, ایکسپورٹ اگر رک جائے گی تو آگے کیا بات کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بات کیا دوں, ڈی ویلویشن کا لفظ جو ہے نا فٹس پڑتے ہیں مجھے, ڈی ویلویشن جب بھی حکومت نے کیا ہے پورا کا پورا ایکسپورٹر کو پاسن ہو جاتا ہے, رات کو فون آتا ہے ایکسپورٹر کا, 5% آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے, 5% ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دیں, آپ کہتے ہیں جی یار 4% لے لو, نہیں 5, اور آپ 5 دے کے وہ امپیکٹ پاس آن کر دیتے ہیں, تو ڈی ویلیویشن کبھی بھی ایکسپورٹ کو ٹیگر نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. آپ سلائڈنگ مارکیٹ کے حساب سے اگر ڈالر راکنگ دا بوٹ, آپ ڈی ویلیو کر کے خراب کر دیں پوری, اور آپ کے کتنی ہائیلی انڈیٹڈ کنٹری ہیں آپ, اور آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, آپ کے سارے پلانٹ اینڈ مشینری جو مہنگی مہنگی آ رہی ہیں, اور اگر آپ اس کو ڈی ویلیو کر دیں فار ریزنس ہم یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ اٹ ول ناٹ سرو دا پرپز, ٹارگیٹ صرف ایکسپورٹ کے اوپر, اور ٹیکسٹائل تو کیونکہ سامنے فور فرنٹ پہ آ جاتا ہے, ورنہ کوئی بھی ایکسپورٹر ہو ہم نے ٹارگیٹڈ اس کو کمپیٹیٹو کرنا ہے ود دا ادر کمپیٹنگ نیشن, رائٹ. لیکن اس میں ڈی ویلویشن از ناٹ دا کی, کیونکہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں سب کی الگ الگ ڈائنامکس ہیں, شاید ہماری ڈائنامکس اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گی. ظفر صاحب ابھی یہ جو رپورٹ ہے اس پہ پہلے آپ کا انسائٹ. آئی تھنک دیٹ اوور آل پہلی بات تو یہ کہ جو یہ بات تھی کہ اتنی زیادہ 2 دن کی سیلنگ ہے اس کے اندر لوکل مارکیٹ نے جو ہے اس کو ابزارب کیا, بہت بڑی بات ہے. اگر لوکل مارکیٹ ابزارب نہیں کر پاتی تو یہ لاسٹ 2 دن کے اندر جتنی سیلنگ ہوئی ہے 70-80 million dollars ان لاسٹ 10 days از اے ہیوج کوانٹم. تو لوکل مارکیٹ اے ایم سیز بینکس اینڈ آل انڈسٹریلز انہوں نے سپورٹ کیا ہے, وچ از اے ویری ویری گڈ سائن. کیوں سپورٹ کیا؟ اس لیے کہ لانگ ٹرم میں جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے انرجی کے بارے میں, تو ایوری ڈے دیر از اے نیوز دیٹ انرجی از امپروونگ. آپ کی اس ونٹر کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ کا پیریڈ تھا جو ایکسٹریم تھا 3-4 سال پہلے, جب وہ تو آئل کی جب پرائز $150 کے اوپر تھی, مجھے یاد پڑ رہا تھا جب اس وقت میں پاور سیکٹر کے اندر تھا, 8-9 گھنٹے جو ہے اس وقت جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پنجاب سائڈ میں کراچی میں. اب بیسیکلی آئل کا ہمیں فیور ہوا ہے اینڈ پلس نیو جنریشن آئی ہے, تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا ایک ایلیمنٹ کم ہوا ہے اور پرائزز بھی کم ہوئی ہے اس لیے کہ آئل ہوا ہے. اور فیوچر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ 2 years کے اندر ہماری سیلف سفیشنسی ہو جائے گی اس کے اندر,
देन अगेन एक अफोर्डेबिलिटी की बात भी है. पहले तो सस्टेनेबिलिटी की बात है कि अब बिजली अवेलेबल हो ताकि इंडस्ट्री का पहिया जो है चलता रहे, वरना इंडस्ट्री का पहिया का पता नहीं था कि इंडस्ट्री किस तरह चलाएं तो उसमें होता है. तो सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंट है. एंड देखें जो नए प्लांट जो आ रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है, दो फ्रंट लोडेड होते हैं 10 ईयर्स के अंदर, उसके अंदर डेट सर्विसिंग भी होती है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. लेकिन एज यू गो अलोंग तो पुराने पुराने प्लांट भी जो है उनकी भी डेट सर्विसिंग खत्म हो रही है, तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो एनर्जी की कॉस्ट है उसमें एक कमी आएगी, तो वो सारा के सारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. बल्कि आपने अच्छे तवज्जो इस जानिब राकिब की है, एक प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी भी कोई इजलास कॉल किया था, कल मीटिंग थी, दे डू एवरी 2 वीक्स अबाउट टेकिंग अ स्टॉक of where are we going. Is it doing any good to our energy sector? आप अब इस इन विंटर्स में क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग है या नहीं है? इस विंटर में आपकी लोड शेडिंग एज कम्पेयर टू 3 वीक्स बैक 4 वीक्स बैक हाफ कर दी गई है इसके अंदर, इसलिए कि जो है एक अवेलेबिलिटी बढ़ गई है इसके अंदर एंड बेटर मैनेजमेंट इसके अंदर है. तो आपकी लोड शेडिंग एज कम्पेयर टू 3-4 वीक्स बैक आपके विलेजेस के अंदर भी हाफ कर दी गई है और आपके सिटीज के अंदर भी हाफ कर देगी, विच इज अ बेटर थिंग. एंड अगेन इंडस्ट्री इज नॉट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त इंडस्ट्री को जो है दो देयर इज एन इम्पैक्ट के भी कॉस्ट क्या है उस पर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, बट अगेन उस पर है. लेकिन इंडस्ट्री को जो लोड शेडिंग है सिंस 2015 वो लोड शेडिंग जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्री का. थोड़ी डिस्पैरिटी पहले अगर आप मैं ये जो पूछ रहे थे, आप देखिए दो चीजें डेफिनेटली हुई है. सप्लाई साइड पे बहुत इंप्रूवमेंट आया एनर्जी का और उसमें मेन इंपैक्ट आया एलएनजी इंपोर्ट से. एलएनजी इंपोर्ट जो आप एक दुनिया अपनी एनर्जी की नीड्स वैसे पूरी करते हैं जो हम नहीं कर रहे थे, हम उस पे आ गए तरीके पे. तो एलएनजी की इंपोर्ट भी हुई, न्यू डिस्कवरीज भी हुई है, पावर जनरेशन भी हमारी बढ़ी है, इस वजह से लोड शेडिंग जो है वो कम हुई है. और पंजाब में जो सर्दियों में 5-5 दिन इंडस्ट्री बंद होती थी, अब वो ऐसी बात. पंजाब टेक्सटाइल मिल सबसे ज्यादा ऐसे अफेक्टेड थी. मैं फरीद साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, अलाउ मी, मैं ब्रेक की जाने बढ़ती हूँ, फिर जानते हैं कि फरीद साहब इस पे क्या ऐड करना चाहते हैं. जनरली भी इस पे बात करेंगे कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है हमने, हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस तमाम इंटीग्रेशन के बाद डीम्यूचुअलाइजेशन का भी अमल जो है वो इस वक्त जारी है या जेरे गौर है, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है? फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवरऑल हम अपने सोसाइटी में अपने मुआशरे में कैसे बढ़ा सकते हैं? राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड. पुराने डिजाइन वाले बड़े साइज के 10, 50, 100 और 1000 मालियत के बैंक नोट यकम दिसंबर 2016 से मंसूख हो जाएंगे. पुराने डिजाइन के इन नोटों की तब्दीली के लिए 30 नवंबर 2016 तक करीबी बैंक ब्रांच या स्टेट बैंक के दफातर से राब्ता करें. यकम दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक ये नोट सिर्फ स्टेट बैंक के दफातर से तब्दील करवाए जा सकेंगे. अलबत्ता नए डिजाइन वाले 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 मालियत के बैंक नोट बदस्तूर काबिल कबूल रहेंगे. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. दुनिया भर ने माना नजला, जुकाम और फ्लू से बचाव के लिए बेहतरीन कर्शी जॉर्ज जोशांडा. सर्दियों में दूध और जानशील नेचुरल है. केस से और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और उनकी फैमिली का एहतसाब हर दौर में हुआ है और वो इस किस्म के एहतसाब से हमेशा सुरखरू हुए हैं. लेकिन जो तरक्की प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल से और जब जब नवाज शरीफ साहब का दौर हुआ शुरू की, उसके ऊपर किसी किस्म की रुकावट ना वो आने देंगे और ना होगी, क्योंकि पाकिस्तान को सीपैक की जरूरत है, पाकिस्तान को एनर्जी प्रोजेक्ट की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जिन अंधेरों में था आज अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग के ऊपर जो आप लोगों ने देखा है किस तरह काबू पा लिया है. पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, इक्तसादी तरक्की की जरूरत है. पाकिस्तान को इस वक्त एजुकेशन और हेल्थ में प्रोजेक्ट की जरूरत है जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किए हुए और वो इंशाल्लाह 2018 में कम्प्लीट होंगे. और आज पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जरूरत है.
वेलकम बैक टू द डिस्कशन। इसमें मजीद बात करते हैं जो ब्रेक से कबल जहां पर हमने ब्रेक किया था, राणा अफजल साहब से भी बात करने की कोशिश रहेगी ताकि वो हुकूमती इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो रखे। बट बिफोर दैट फरीद साहब, ब्रेक से कबल जो आप बात करना चाह रहे थे, प्लीज मेक योर पॉइंट फर्स्ट। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह जफर जुबानी साहब ने कहा कि अवेलेबल है और एलएनजी की बहुत फायदा हो रहा है, एलएनजी का एक बहुत हमें नुकसान हो चुका है, बहुत लेट आई है, 4 साल हम लोग, 5 साल हम इस चक्कर में फंसे रहे, लेकिन अब लेट्स गेट ओवर विद व्हाट एवर हैज हैपेंड। तो क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन अब मसला ये है, जब गवर्नमेंट ने अब 200 रुपए पर मिलियन क्यूबिक फीट डिस्काउंट पे दे दिया, कम करती प्राइसेस, लेकिन पंजाब में थोड़ा इश्यू ये आ रहा है कि वहां RLNG पे चले गए लोग और वो उनको पड़ रही है तकरीबन $8 और थोड़ा खत्म होने डाल के ₹900 और बाकी जगहों पे पड़ रही है ₹400-500। तो यहाँ थोड़ी सी डिस्पैरिटी है, लेकिन मेरा ख्याल से अवेलेबिलिटी पे ज्यादा लोगों को ख्वाहिश होनी चाहिए। हाँ, कॉस्ट कम्पिटिटिव अमंगस्ट डिफरेंट एरियाज हो जाए तो नथिंग लाइक इट, बट टू बिगिन विद अवेलेबल है, दैट इज अ गुड, दैट्स अ गुड न्यूज। ठीक है, और कॉस्ट कम्पिटिटिव के अलावा अगर आप रीजनल कम्पिटिटिवनेस की जैसे बात कर रहे थे तो उसमें जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उस पर बात कर रहे थे। अलाउ मी सर, इस वक्त मेरे साथ मिस्टर राणा अफजल फोन लाइन पर तशरीफ फरमाएं, ये जॉइंट द डिस्कशन MNA हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, ऑल्सो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस, लिहाजा इस एतवार से बात करते हैं कि इस वक्त वो इस न्यूज को किस नजर से देखते हैं, हुकूमत का इस पर क्या प्रोजेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर राणा अफजल, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, मेहरबानी। फॉक्स मैगजीन की सर रिपोर्ट पे पहले आपका तज्जिया शामिल कर लेते हैं, आपको लगता है हुकूमत की इस वक्त लेटली जो पॉलिसीज रही हैं या जो स्टैंस रहा है कोई मददगार रहा है, क्योंकि फॉक्स मैगजीन ने एशिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग मार्केट 12 महीने की परफॉर्मेंस की बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रेट किया है? देखें, जो हमारी मार्केट्स होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑल, ये फोरकास्ट पे और आइंदा की रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब वो लोग तवक्को रखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेटर डिविडेंड्स मिलेंगे या आने वाले वक्तों में हमारी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये वजूहात होती हैं जब हमारी स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक्स के रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थे इंडस्ट्री के लिए वो मल्टीपल थे, वो ना सिर्फ बिजली के थे, गैस के थे, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के थे। यहाँ ट्रेन नहीं चलती थी, जो लोग माल बनाते थे अप कंट्री में वो कराची तक नहीं पहुंचता था, लोगों को कई दफा अपनी शिपमेंट्स की डेट मीट करने के लिए हवाई जहाजों में महंगी कीमत के ऊपर सामान भेजना पड़ता था, बैंक इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, वो अब आज एक रिकॉर्ड लो पे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और फिर हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा थी और अब जब हम चीपर सोर्सेज पे जा रहे हैं, आज पाकिस्तान में 0 से 800 मेगावाट पे आप विंड पावर पे आ गए हैं, सोलर पावर के अंदर इजाफा हो रहा है, सोलर पावर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट में इजाफा हो रहा है, तो आज पाकिस्तान के जो बहुत सारे जो क्रॉनिक मसाइल थे जो हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे थे, उस पर लोगों की अप्रिसिएशन है कि ये चीजें कम होगी और पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी एजुकेटेड लेबर मार्केट है और वेल प्राइस्ड है और वेल एजुकेटेड है वो भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ये सारी चीजें जो है, जो करेक्शन आ रही हैं वो एक फोरकास्ट दे रही हैं इन्वेस्टर्स को कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बेहतर होगा और इसीलिए हमारे स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही है। राणा साहब, ये बताइएगा, इस वक्त मेरे साथ पैनल में मिस्टर फरीद आलम हैं, CEO फॉर AKD सिक्योरिटीज, डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग हैं, जफर सुभानी हैं, तमाम इस बात पर मुत्तफिक नजर आए थे कि हुकूमत की तरफ से इंसेंटिव्स अब नजर आ रहे हैं लेकिन डिलेड हैं ये तमाम मामलात, अगर ये जल्दी आ जाते तो ये तमाम चीजें जल्दी बेहतर होती। फॉर सपोज वो जो एक्सपोर्टर्स का रिफंड की मद में फंसा हुआ पैसा था, इसके हवाले से भी बात की गई है, आपको लगता है सर आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात पे कि अगर डिले हुआ है और अगर अब जो पॉलिसीज में मजीद हम लोग एनहेंसमेंट देख रहे हैं जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए अब रिबेट्स और पॉलिसीज की बात हो रही है, तो आपको लगता है कोई हमारे ड्विंडलिंग एक्सपोर्ट्स में सहारा मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री का पहिया मजीद बेहतर होगा? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत पे प्रेशर रहना चाहिए और हुकूमत को गाइडेंस की हमेशा जरूरत होती है। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके साथ रास्ते में रहते हैं, हमारे चैम्बर्स हैं, एक इसहाक डार साहब की लीडरशिप में एक ओपन डोर पॉलिसी है, हमारे एप्टमा वाले जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं हम उनके साथ हमारा डायलॉग चलता रहता है, लेकिन
حکومت کی لمیٹیشنز ہیں, آپ کی فائنینس منسٹری میں خاصی لمیٹیشنز ہیں, اور وہ اور اس کے باوجود کہ ہم نے ریونیو سائڈ پہ 3 سال میں 62% کی گروتھ کی ہے ریونیو کلیکشن میں, جس سے ہماری پی ایس ڈی پی فنڈنگ جو ہے وہ بڑی ہے, لیکن ہم اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں ان تمام جو چیزیں, یہ یقیناً جو انڈسٹری والے ہمیں ایڈوائز دیتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے, لیکن کیونکہ سیکٹرز اتنے زیادہ ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے, آپ جس کو ٹچ کرتے ہیں میڈیکل شعبے کو ٹچ کرتے ہیں ان کے یہاں بے شمار پینڈنگ ڈیمانڈز ہیں, آپ آرمی سے ٹچ کرتے ہیں ملٹری کو کرتے ہیں ان کی پینڈنگ ڈیمانڈز ہیں, تو یقیناً ابھی ہمارا ہم ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں اور ہر شعبہ جو ہے وہ اپنے سیکٹر کے لیے وہ ترقی چاہتا ہے, اور یہ بڑی پازیٹیوٹی ہے اور یہ اچھی بات ہے, اس کے اوپر ہم لوگ اگر آپس میں مل کے کام کرتے رہیں اور گریجولی ہم اس چیز کو انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ ان چیزوں میں ہم ایک بہتر تبدیلی کی طرف جائیں گے. آخر میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, 9% اراؤنڈ لگ بھگ 9% تک ہائیک ہوا ہے آئل کی قیمتوں میں انٹرنیشنلی, تو سر بتائیے گا کیا ہماری ڈیپینڈنسی آئل پہ ان ٹرمز آف آر پاور جنریشن کچھ بہتر ہوئی ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ دوبارہ سے فرنس آئل کی طرف جائیں فار آر پاور جنریشن تو دوبارہ سرکولر ڈیٹ اور وہ تمام مسئلہ جو آلریڈی اکیومولیٹڈ ہے آلریڈی ایگزٹنگ ہے وہ مزید برا ہوتا چلا جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی آئل ڈیپینڈنسی کو اپنی فرنس آئل ڈیپینڈنسی کو بہتر بنایا ہے جب ہم پاور جنریشن کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں یقیناً کوشش ہے, اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی, ہمارے ہائیڈل پروجیکٹس آ جائیں, ہمارے نیوکلیئر پروجیکٹس آ جائیں, ہماری جو ڈائیورسٹی ہے ہماری انرجی باسکٹ کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی طرف ہم کام کر رہے ہیں, اب آر ایل این جی ہے وہ سستی آ جائے گی, یہ بڑی قیمت کم ہوگی, آلریڈی آپ دیکھیں کہ ہماری 25% کے قریب ہماری بجلی کی قیمت انڈسٹری کے لیے کم ہو چکی ہے اور انڈسٹری کو 24 گھنٹے دے رہے ہیں, اور ایک وقت تھا کہ انڈسٹری ڈیزل جنریٹر چلاتی تھی اور 45 روپے ان کو یونٹ پڑتا تھا, تو میں سمجھتا ہوں بہتری آ رہی ہے اور بہتری کی ابھی بہت گنجائش ہے. رائٹ, تھینک یو فار یور کینڈیڈ ورڈز مسٹر رانا افضل, ہمارے ساتھ فون لائن پر تشریف فرماتے ہیں. حکومتی جو پریروگیٹو ہے انہوں نے لاسٹ میں جیسے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بہتری ہے لیکن مزید گنجائش موجود ہے, مزید روم فار امپروومنٹ ہے. فرید صاحب آپ کیا کہیں گے, ڈی میوچلائزیشن پر بھی پلیز بات کیجیے گا اس طرح سے. دو تین باتیں اور خاص طور پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں میں, بیکاز انرجی کے اوپر بات بھی رانا صاحب نے کی. دیکھیں پاکستان میں جو ساری جو ابھی خوشحالی اور بنانزا آیا ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں یا جنرل میں جو آپٹیمزم میں, اس کے اندر لو آئل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر خدا نخواستہ, یا ابھی آج والا تو ایپیسوڈ یہ ون آف ہے, اسپائکس آتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں تو یہ لگتا ہے سسٹینیبل نہیں ہے اسپائک, ہاں یہ بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور ہمیں اسی چیز میں ہم خوش ہیں تو ہم وائز ٹو بی تھنکنگ ادر وائز. دیکھیں جب تک $50-55 سے نہیں بڑھتا آئل ہم کمفرٹیبل ہیں, لیکن اگر یہ بڑھ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, اوپیک کی کہانی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے وٹ ایور, تو پھر ہمارے لیے چیزیں دوبارہ سے ہم نے آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا اپنی اسٹریٹجیز. ایک اسٹریٹجی اس کے اوپر میں پوچھوں گا, دیکھیں ہم نے ساری عمر ابھی تک جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگائے اس کے اندر ایک جو ایک فارمولا تھا کار فرما وہ تھا ٹیک اور پے. آپ نے آج $1 million پر میگا واٹ کے اوپر آپ نے کوئی پلانٹ لگایا, آپ کو چل گیا پتا کہ میں نے 60% تو گورنمنٹ نے مجھ سے اٹھانا ہی اٹھانا ہے, تو اس سے آپ کا ڈیٹ کمپوننٹ چلا گیا اور ریٹرن تھوڑا سا اکویٹی کا بن گیا, سائزیبل نہیں بنا. پھر آپ 60% کیپیسٹی تو آپ کی گورنمنٹ نے لینی ہی لینی, اس کے اوپر لے گا تو اور ویریبل کاسٹنگ بڑھے گی, سم سی پی پی کہتے ہیں اپنی زبان میں کیپیسٹی کے. اب پچھلے 2-4 مہینے سے گورنمنٹ نے تھوڑا سا, جب یہ آئل نیچے آیا تو گورنمنٹ کو تھوڑی ہوشیاری آئی, انہوں نے کہا یار نہیں اب ایسا نہیں ہوگا, جتنا ہونا تھا ہو گیا, اب انہوں نے کہا کہ ہم ٹیک اور پے والا جو کام ہے اس کو چینج کر کے ٹیک اینڈ پے کریں گے. یہ 3 پروڈیوسر بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں یہاں, میں نے کہا یار نہیں آپ دے دو, آپ کا والا وارا نہیں کھاتا, کمپیٹیٹو پرائسنگ کریں گے, پرفیکٹلی آلریڈی اچھی چیز ہے. لیکن جو امپورٹڈ چیز پہ ہے, جو فرنس آئل پہ ہے یا فار دیٹ میٹر ایل این جی پہ ہے, جس چیز کی وجہ سے آنے والے سالوں میں پاکستان کا امپورٹ بل بڑھنا ہے, اس کے اوپر جو مرضی ایکسپیریمنٹ کریں, مجھ جیسے پاکستانی کو کوئی اس بات سے قطع نظر, میں خوش ہوں گا کہ کمپیٹیٹو اور جو اچھا پروڈیوسر ہوگا وہ اچھا, گورنمنٹ کو اور پاکستان کو جو اچھا پروڈیوسر ہے وہ سستے ریٹ پہ دے. لیکن اب اس سے ہم تھوڑا سا بیونڈ چلے جاتے ہیں, اب شوگر سیکٹر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, بگاس سے جو بجلی بن رہی تھی وہ تو دیکھیں نا, گنا ہے آپ کا اپنا, آپ کی پروڈیوس ہے, آپ اس کے اوپر خرچہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے کہا نہیں اب ہم آپ کو بھی ٹیک اینڈ پے کے اندر لے آتے ہیں.
तो हम ये अभी जो पॉलिसी स्विंग्स है ना ये हमें मार देती है। ये $50 से नीचे ऑयल रहा, गवर्नमेंट थोड़ी सी शेयर हो गई है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड नॉट बी टेकिंग यू टर्न्स ऑन मेनी थिंग्स, स्पेशली जिसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री का व्हील पिछले 5-7 साल में फंसा रहा है बहुत बुरी तरीके से। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वैसा ही है जैसे मोदी अपनी सरकार मोदी सरकार अपनी करेंसी के साथ कर रहा है। ठीक है, लास्ट 3-2.5 साल से आपकी ऑयल की प्राइस गिरी हुई है और रिन्यूएबल्स जो है बिकॉज गवर्नमेंट को जब ये रिलीफ नजर आया कि ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं कंट्रोल के अंदर है, तो जो थ्रस्ट था रिन्यूएबल्स के अंदर स्पेशली विंड सोलर एंड बगास में, उसमें वो गर्म जोशी नहीं रही और प्रोजेक्ट्स जो हैं अगर आप देखें तो पहला प्रोजेक्ट विंड का नहीं उस तरह से नहीं रही जबकि उसको यूज करते हैं। सीओडी पहले प्रोजेक्ट की फौजी का प्रोजेक्ट था, उसकी जो सीओडी आई है 4 साल पहले 50 मेगावाट के इस तरह के वो बंडल्स बनते हैं। अभी तक हमारे जो है तकरीबन 7 प्रोजेक्ट अभी तक का फ्रॉम 4 साल से लेके अभी तक का सिर्फ 7 प्रोजेक्ट जो है उनकी सीओडी कंप्लीट हुई है। तो मतलब 400 मेगावाट सिर्फ जो है सीओडी उनकी हुई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो दे आर हैविंग एलओआई बट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द ग्रिड अवेलेबिलिटी एंड अगेन द टैरिफ का इशू है। तो और सेम गोज टू सोलर के अंदर इस वक्त कायरम सोलर पार्क के अंदर 4 प्रोजेक्ट जो है वो उनकी सीओडी भी है, बाकी कोई और प्रोजेक्ट छोटे छोटे 1-2 प्रोजेक्ट हुए 11 मेगावाट के, लेकिन इसके अलावा और ये है कि आपकी विंड की जो एफिशिएंसी है वो 36% होती है और सोलर की 19% होती है। दो तो कहते हैं हम 50 मेगावाट बट बॉटम लाइन ये है कि वो 36% होता है। ये बिल्कुल फ्री आपकी जो है वो चीज है एंड आई थिंक दैट हमें रीजंस के बेस पे हमने रोका है। आई थिंक जिसमें हमें बहुत फास्ट चलना चाहिए एंड दुनिया जो है वो रिन्यूएबल्स पे जाती है, इससे एक तो ये कि आपका एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है एंड यू नेवर नो बट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम 7-8 साल 9 साल लंबे होते हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके चैलेंजेस भी अपनी जगह पर है इसके अंदर। हाइड्रल के ऊपर आपके जो है ना पॉलिटिकल प्रोविंसेस के अलग इशू होते हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है बट दे टेक्स टाइम, बट जो इजी अवेलेबल है रिन्यूएबल में बगास की बात की है, बगास जो है कुछ भी नहीं मसला इसके अंदर है, तो बगास के भी प्रोजेक्ट सिर्फ बहुत कम आए, 2-3 प्रोजेक्ट आए हैं। आई थिंक इसमें जो है ऑयल जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑयल की प्राइस क्या होती है इसके ऊपर हमें तवज्जो देना चाहिए और बहुत फास्ट मूव होना चाहिए। डेक साहब की भी प्रोजेक्ट हैं वो सब रुके हुए सारे इसके अंदर। देखिए गवर्नमेंट की 2 जिम्मेदारियां थी जिसमें जो चैलेंजेस थे उसके लिए, पहले तो ये है कि कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द पावर एंड एनर्जी और दूसरा अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। खाली सप्लाई ना कर दें कि पता चला अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपका एनर्जी मिक्स इज द हाईएस्ट इन द रीजन, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द रीजन, राइट। आपको एनर्जी मिक्स को भी नीचे लाना था। एनर्जी मिक्स को लाने के लिए आपने फर्नेस ऑयल के जो प्रोजेक्ट है उसे आस्ते आस्ते निकाल के विंड पावर के सोलर के बायोमास के मुगास के हाइड्रो के छोटे डैम के पीके में उसमें 10-9 अपने मेगावाट वाले इनको प्रमोट करना था, जल्दी से इन्हें ऑनलाइन लाना था और एनर्जी मिक्स को वेटेड एवरेज जिसको कहते हैं नीचे लाके आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि ये ना बोले कि जी बांग्लादेश में हम गैस हमसे 1/3 प्राइस के ऊपर है, ये जुमले खत्म हो जाए। थोड़ा बहुत तो फर्क होता है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा दूसरा ये कि हुकूमत के जहनों में यह है कि जी फर्नेस ऑयल की कीमत गिरी हुई थी और उनके जहन में था कि इतने जल्दी रिबाउंड नहीं करेंगे, लिहाजा उन्होंने बाकी अल्टरनेटिव एनर्जी के प्रोजेक्ट को वो प्रायोरिटी नहीं दी। मेरा अपना बेग एनर्जी का प्रोजेक्ट 2 पड़े हुए हैं, ग्रिड नहीं है, ग्रिड की बात करते हैं कि वो 18 और 2019 की देने की बात कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर इतने लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकता क्योंकि इस अरसे में आपका जो टैरिफ है वो डाउनवर्ड रिवीजन हर 6 महीने के बाद होता है। पता चला 2019 में आपका वो टैरिफ हो जाए जो आप छूने के लिए तैयार ना हो, वारे में नहीं आपके, कैसे कोई पोजीशन लेगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि नॉट कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर के जी आपने 2018 के इलेक्शन में चले गए ये कह के नो लोड शेडिंग इज अ अचीवमेंट, ग्रेट, बट एट द सेम टाइम एट व्हाट कॉस्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, निपटें दोनों साथ साथ हैं। अफोर्डेबल रेट पे आपने लाना एनर्जी मिक्स वो कहते तो हैं, वैसे फॉर इफ यू आर टॉकिंग फॉर स्लोगन्स ये भी स्लोगनाइज करते हैं कि अफोर्डेबल भी करेंगे, बट उसके लिए एनर्जी मिक्स आपका कम होगा। एनर्जी मिक्स अभी मुझे नहीं नजर आ रहा है ऑल्टरनेटिव कि जो सोर्सेज हैं जिनसे सस्ती बिजली हासिल की जा सकती है वो उसकी
वो तेजी उसमें नहीं है. राइट डॉक्टर बेग, आई लाइक यू टू कमेंट ऑन अभी जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से और सेक्टर्स पे हम लोग जो बात कर रहे थे, रीबेट ये बात है, ये वो पहले, फिर हम डीमेटलाइजेशन पे आएंगे बिकॉज वी हैवंट टच्ड अपॉन दैट. पहली चीज तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को एक्सपोर्ट पैकेज या रिबेट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ऑल फाइव सेक्टर्स हैं जिसमें कारपेट है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं, ऑफकोर्स उसमें टेक्सटाइल भी है एंड लेदर है, ये पांच चीजें होगी. तो ये पूरे विच इज फेयर ना, विच इज गुड कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स को हमने जो फैट है उसके ऊपर जिसकी वजह से हम अनकम्पिटेटिव बन गए हैं वो चर्बी को उतारना है. और हमने इंडायरेक्ट टैक्सेस डाले हुए एक्सपोर्ट पे 4-5%, दुनिया में कहीं टैक्सेस नहीं होते, हमारे रिफंड फंसे हुए हैं उसकी वजह से हमारी एनर्जी की कॉस्ट ज्यादा है. तो ये सब चीजें हैं, लिहाजा आपकी एक्सपोर्ट गिरनी शुरू हो गई. यू वर नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द बायर, अब आप यू वॉन्ट टू बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द बायर. तो प्राइजेस कम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लागत कम करेंगे, ये जो पैकेज आ रहा है इसकी मदद से. तो मैं समझता हूँ कि इसको जितनी जल्दी आप कर सकते हैं इसको अनाउंस करें ताकि लोग, एक तो नई सरमाकारी रुक गई है, कोई नई सरमाकारी नहीं हो रही इन सेक्टर्स इंडस्ट्रीज में, तो नए जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है. जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है तो आपके गुर्बत, आपकी स्टैंड अप लिविंग अपनी जगह खड़ी है. तो ये सोशल इश्यूज भी तो है हुकूमत की, लिहाजा आपने हर सेक्टर को इस तरह से नहीं देना कि वो कितना कमोपूत है, कितना कमा के दे रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है. आपने सेक्टर को इस तरह से भी देखना है कि जॉब क्रिएशन ये कितना कर रहा है. ठीक है, नेशनल एक्सचेकर को दे रहा है सही अपनी जगह. अभी जो रिबेट आपने कहा है वो तो है पांच सेक्टर्स के लिए है, लेकिन अदर देन दैट किस चीज से ये मुमकिन कर सकते हैं? वन लाइनर प्लीज, देन आई विल मूव टू डी विजुअलाइजेशन. नहीं, वो तो पांच सेक्टर को दे रहे हैं और अब तक जो न्यूज है वो यही है. नहीं, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, सरमायाकारी नहीं, ये सेक्टर कम्पिटेटिव क्योंकि नहीं रहे हैं इसलिए नई सनअतें इसमें नहीं लग रही. ये लोग जा रहे हैं 70% गारंटेड रिटर्न पे विंड पावर प्रोजेक्ट में, हमारे बच्चे बात कर रहे हैं विंड पावर. तो ये जो ट्रेडिशनल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले सेक्टर हैं आपके, इसमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है क्योंकि ये गैर मुकाबलती बन गए हैं. अब ठीक है, उनको मुकाबलती बनाना. आई वॉन्ट टू मूव टू डीमिशलाइजेशन. फरी साहब, आपसे यही ऐसे मूव करने का सवाल नहीं, पूछ लीजिए साहब. टेक्सटाइल पर अच्छी बात की है, मुझे एक हमेशा रहा है गिला टेक्सटाइल सेक्टर से कि जब सन वॉज शाइनिंग टेक्सटाइल सेक्टर वॉज मेकिंग टन्स ऑफ मनी. अब 90 से जब डिवेल्यूशन में 9% होता था तो वैल्यू एडिशन के अंदर क्या इशू था कि वैल्यू एडिशन में हम नहीं आए? सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट के अंदर एक और भी जो है रीजन, लेकिन मेरा नहीं, आई थिंक वैल्यू एडिशन में हमें जो है ना हमारी जो में कोताही, हम कॉटन 30% सस्ता खरीदते थे अपने फार्मर से और उससे हम ज्ञान बना के पैसा कमा के मियां साहब बनते सब और खुश थे. जब पावलपुर के मैंने कॉटन खरीदने वाले को फोन किया, उसके बेटे ने कहा 6:30 बजे मैं आपको प्राइस दूंगा जब न्यूयॉर्क खुलेगा, लिवरपूल खुलेगा, तो आप एट पार आ गई प्राइस. आप वो 30% सस्ता आप नहीं ले सकते थे कॉटन, अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं बट टू लेट. लेकिन ओरिजिनली उन्होंने सस्ती कॉटन लेके 30% सस्ती लेके जो मार्जिन था वो सस्ता यान बाहर बेच के कमा लिया और वैल्यू एडिशन उस यान से बांग्लादेश और हमारे कंपनी. जो पॉइंट चल रहा है इसके ऊपर मैं एक और लाइन ऐड करूं, ये मजेदार चीज है. देखिए हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या जो कम्पिटेटिवनेस पे हमारा अभी भी 122वां नंबर है. नई इंडस्ट्री लग नहीं रही, एक्सपेंशन में जा नहीं रहे लोग. तो जो लोग हैं जिनकी इंडस्ट्री चल रही है वो एक लफ्ज अंग्रेजी में कहते हैं वो फ्लीजिंग कर रहे हैं. उनकी टॉप लाइन तो बॉटम लाइन बहुत अच्छी बढ़ रही है. आप देखें सक्सेसिव जो पहले 100 रुपए की सेल थी उसकी 120 की हुई, 140 की हुई. जो इंडस्ट्री लगी हुई है दे आर मेकिंग अ किलिंग. तो मैं दो हैट पहनता हूँ, एक एज एन इन्वेस्टर और एक एज अ कंज्यूमर और कस्टमर. तो वो वाला हैट मेरा जो मेरे इन्वेस्टिंग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है उससे उसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, वो वाला हैट मैंने बड़ा अच्छा पहना हुआ है. लेकिन मैं एज अ कंज्यूमर और कस्टमर भी तो हूँ. अगर मुझे सीमेंट की बोरी 550 की लेनी पड़ रही है, सरिया मुझे 70,000 रुपए टन लेना पड़ रहा है, और इस तरह की अगर मुझे बहुत सारी इंडस्ट्री है तो जो कि प्लांट प्रोडक्शन पे चल रही है, तो ये वाली चीजों को भी तो देखना हुकूमत का ही काम है ना, मेरा और आपका तो नहीं है. बट देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस कम्पिटेटिवनेस पे भी थोड़ा सा तवज्जो दें. और ये वाली जो बात है एक्सपोर्ट वाली, इस पे एक सिर्फ मैं बात ऐड कर दूं कि लग ये रहा है, लग रहा है ऐसे ही है जिस तरह की बातें चल रही है, 3 महीने हो गए इस बात को. और जो चीज आके फटाफट आ जाती है वो सही होती है, जो लंबी चौड़ी हो रही है. आई थिंक आप सब लोग होप कर रहे हैं कि
on this export trophy date kya the announcement ho december ko islam abhi tak ye hota raha hai ki jo 100 rupaye ke upar agar 100 dollar aapne last time export kiye the is dafa aapne 120 kiye to 10% to aapko qualify karne ke liye chahiye right agar aapne 20 kar diya to aapko aap qualify kar gaye 120 dollar minus 100 dollar which was the base year export to 20 pe aapko 4 5 6 % milta tha लेकिन हमारे जो कम्पीटिंग नेशंस हैं उनको टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर ये रिबेट मिलती थी अब भाई हमारी पॉलिसी जो लग रही है जो आ रही है उसमें हम टोटल एक्सपोर्ट पे देना चाह रहे हैं विच इज अ 180 डिग्री शिफ्ट टू मेक आर इंडस्ट्री पॉजिटिव. ठीक है लेट्स बी लास्ट मोमेंट है डीम्यूचुअलाइजेशन पे बात कर लें 40% स्टेक्स में आपके इसको इन्वॉल्व करने वाले हैं. देखें अगर आप किसी लेमैन से पूछे ना तो सबको ख्वाहिश है कि नैसडैक आए. सही दो आ गए ना नैसडैक स्पॉन्सर्ड एक साथ जो है हाँ, और एक शंघाई है शंघाई. हमें वो चाहिए पार्टनर ऐसा जिसने डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे हमारी जैसी इकोनॉमीज को हमारी जैसी चीजों को आगे ले जाने का तजुर्बा हो जिसका. देखें हम अगर मैं सिर्फ एक पैरेलल ड्रॉ करूं फिलीपींस का फिलीपींस की बहुत सारी चीजें हमारी सिमिलिटरी है मिलती भी हैं बाज नहीं मिलती लेकिन जीडीपी साइज और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक मिलती थी हमसे लेकिन सक्सेसफुल उनके अपग्रेड हुए और उनकी मार्केट री रेट हुई कहा 9 टाइम्स के 12 टाइम्स फिर 17 टाइम्स मल्टीपल पे यानी वहां जो कंपनी जो 10 रुपए की अर्निंग पर शेयर है पहले वो 90 की थी फिर 120 की हुई अब 180 की हो गई है. हमें ऐसा चाहिए ऑपरेटर ऑफ एक्सचेंज जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता हो जिसने डिफरेंट मुल्कों में अच्छा काम किया हो और डिमॉन्स्ट्रेट किया हो और एक और बात ये जरूर हो कि वो अपना बिट पर स्पोज अच्छी दे दे लेकिन उसके ऊपर ये चेक एंड बैलेंस हो कि वो यहाँ अपडेट करते हुए सिस्टम को ज्यादा पैसे वापस ना ले जाए. ठीक है लास्ट लाइनर्स का वक्त है बिल्कुल मेरे पास. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लोकल्स और फॉरेनर्स दोनों को कंसिडर किया जा रहा है. देख साहब योर लास्ट लाइन. मैं समझता हूँ कि हमें एक पर रिलायन एक फॉरन पर करना चाहिए. आई एम नॉट एज एक्सपर्ट सॉरी दिए बट बिजनेसमैन तो हैं हम जब पोजिशन लेते हैं तो उसमें रिस्क को हम कट करते हैं. तो मैं ये समझता हूँ अगर कोई ऐसी कॉम्बिनेशन बनती है जिसमें लोकल एंड फॉरेन हो और जो उन मार्केटों में हमारे फंड्स को लेके जाएं जहाँ पे अभी हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है दैट विल बी नाइस. जफर साहब बिल्कुल लास्ट लाइन का भी वक्त नहीं. आई एग्री दैट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए फॉरेनर्स पे सिर्फ हमें नहीं करना चाहिए इसके अंदर. राइट लेट्स कंक्लूड ऑन दैट नोट. डीम्यूचुअलाइजेशन को भी हम लोगों ने लास्ट में टच अपॉन किया है. वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आर पैनलिस्ट हमारे साथ आज मिस्टर फरीद आलम थे डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग मिस्टर जफर सुभानी. फोन लाइन पर हमने हुकूमती मौकफ मिस्टर दाना अफजल से मांगा था. वेरी ग्रेटफुल वंस अगेन फॉर देयर प्रेजेंस. इस वक्त हमने जो बात की है लोकल्स का सपोर्ट हमारे लोकल व्यूज में नजर आ रहा है फॉरेनर्स की तरफ से रिडेम्पशन के अमिडस्ट लेकिन लोकल्स की इंक्लूजन चाहे जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक गुड है चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल जो बेनिफिट्स हैं उनके हवाले से हो लोकल्स की जब तक इंक्लूजन नहीं होगी तब तक ये मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो लेवल पे ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.